नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। दोस्तों, आईपीएल फेज टू में शुक्रवार को टूर्नामेंट का 45वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पंजाब ने आखिरी ओवर में कोलकाता को 5 विकेट से हरा कर ये मैच अपने नाम कर लिया। अंतिम ओवर में पंजाब को 5 रनों की जरूरत थी और ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने केएल राहुल 67 की विकेट हासिल कर मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर टीम के बल्लेबाज शाहरुख खान ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल में 10 अंकों के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गई है और टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। केकेआर को भले ही मुकाबले में हार मिली हो, लेकिन टीम अभी भी टॉप 4 में चौथे पायदान पर मौजूद है। दोस्तों, पंजाब किंग्स की जीत में केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों पर 67 रन बनाए। आईपीएल में ये उनका 26वां अर्धशतक रहा। मौजूदा टूर्नामेंट में राहुल के 12 मैचेस में कुल 489 रन हो गए हैं और एक बार फिर से ऑरेंज कैप राहुल के पास पहुंच गई है। अपनी पारी में राहुल ने 2 छक्के लगाए और इसके साथ ही वे पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में 100 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। सो टारगेट का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत बेहतरीन रही और पहले विकेट के लिए मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने 70 रन जोड़े। इस पार्टनरशिप को तोड़ने का काम वरुण चक्रवर्ती ने मयंक अग्रवाल 40 को आउट कर किया। अगले ही ओवर में उन्होंने निकोलस पूरन 12 को भी आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। केकेआर को तीसरी सफलता एडन माकम 18 के रूप में मिली। आउट होने से पहले माकम ने राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़े। उनकी विकेट सुनील नरेन ने चटकाई। माकम के विकेट के बाद दीपक हुड्डा भी जल्दी ही पवेलियन लौट गए। हुड्डा 3 के विकेट शिवम मावी ने हासिल की। केकेआर को पहला झटका शुभमन गिल 7 के रूप में लगा और उनकी विकेट अर्शदीप सिंह के खाते में आई। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए राहुल त्रिपाठी और वेंकटेश अय्यर ने 72 रन जोड़कर पारी को संभाल लिया। त्रिपाठी 34 की विकेट रवि बिश्नोई के खाते में आई। शानदार फॉर्म में चल रहे वेंकटेश अय्यर ने 49 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली, जबकि ऑन मॉर्गन 2 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, केकेआर के मिडल ऑर्डर ने एक बार फिर से निराश किया। कप्तान ऑन मॉर्गन 2, कोलकाता के लिए आईपीएल डेब्यू कर रहे टिम सिफर्ट 2 और दिनेश कार्तिक 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। केकेआर के लिए नीतीश राणा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर 31 रन बनाए। टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 165 रन का स्कोर बनाया। पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 और रवि बिश्नोई ने 2 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों, जैसे ही पंजाब के बल्लेबाज शाहरुख खान ने छक्का लगाकर पंजाब को जीत दिलाई, वैसे ही प्रीति जिंटा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज होने वाले डबल धमाल के बारे में। आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दिन का पहला मुकाबला खेला जाएगा, वहीं दिन का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम के 7:30 बजे से शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैच के बारे में बात करते हैं। आईपीएल फेज 2 में मुंबई इंडियंस शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के सामने उतरेगी। 5 बार की चैंपियन मुंबई की टीम पर मुकाबला जीतने का दबाव बहुत ज्यादा होगा। अगर उसे हार मिलती है तो प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी राह काफी मुश्किल हो जाएगी। पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर मौजूद मुंबई की 11 मैचेस में 10 अंक है। अगर वे लगातार आगे आने वाले 3 मैच जीत जाती है तो आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन एक भी हार मिलने के बाद उसे नेट रन रेट और बाकी टीमों के मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। दोस्तों, आईपीएल फेज 2 में आज के दिन का दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच में ये मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ जहां चेन्नई पहले से ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए ये मैच करो या मरो से कम नहीं है। राजस्थान फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है। टीम ने 11 मैच खेले हैं और सिर्फ 4 में जीत दर्ज की है। पिछले 3 मैचेस में तो टीम को एक के बाद एक हार नसीब हुई है। पिछले 3 मैचेस में तो टीम को एक के बाद एक हार नसीब हुई है। टीम के प्लेऑफ की रेस में खुद को जीवित रखना है या बनाए रखना है तो ये मैच हर हाल में जीतना होगा। वैसे टीम के लिए अब सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं, बल्कि बड़े अंतर से मैच में भी जीत जरूरी है, ताकि रन रेट को भी सुधारा जा सके और प्लेऑफ की दौड़ में बना रहा जा सके। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स। इसके अलावा डीएनपी स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियोस को भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।